और अब खबर जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। बीती शाम सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की यहां खबर मिली थी। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। आतंकियों की तलाशी का अभियान अब भी जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। बीती शाम श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक आतंकी एक मकान में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इसके बाद ही सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में बने जिस मकान में आतंकी छिपे थे, उसके मालिक की भी कार्रवाई में मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक ये व्यक्ति आतंकियों के मददगार के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने तीन शवों को कब्जे में ले लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को कुछ अहम सबूत मिले हैं। श्रीनगर पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 11 नवंबर को दक्षिण कश्मीर में तीन आतंकी मारे गए थे। हिंदुस्तान आतंकियों के खिलाफ अंतिम प्रहार का फैसला कर चुका है। इस साल जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक 117 आतंकी मारे जा चुके हैं। 254 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के पास से 105 AK-47, 126 पिस्टल और 276 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की संपूर्ण सफाई के लिए सुरक्षा एजेंसियां कमर कस चुकी हैं। यहां की जमीन से आतंक के हर मददगार का हिसाब होगा और निर्दोष लोगों की हत्या की कीमत चुकानी होगी। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.